नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज जिस प्रकार से हमने पिछली वीडियो के अंदर भविष्य मालिका की चर्चा करी, उसी प्रकार से कुछ आगे एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को भी देखा और ज्योतिष और हमारे धर्म शास्त्रों को मिला के एक ऐसी कहानी सामने निकल के आई, एक ऐसी बात निकल के आई जिसके अंदर बहुत लोगों की चिंता बढ़ गई, बहुत लोगों को एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात को निकाल के सामने लाया गया है जिसको लोग बहुत गहन चिंता से देख रहे हैं। अब वो क्या है वो बात, सारी घटनाक्रम, सारी बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग भी उस बात को जान पाए। आज से कई सदी पहले की अगर हम बात करें, महाभारत के काल के बारे में अगर हम बात करें, तो महाभारत काल का जब युद्ध हुआ था उस समय के ऊपर सूर्य के ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ा था जिस कारण वह ग्रहण की चपेट में आ गए थे और उसके पूरे 13 दिन के बाद में एक और सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा था। और पुराणों के अंदर इनके बारे में कई चीज़ें, कई चर्चाएं देखने को मिलती हैं और ये भी कहा जाता है कि जिस समय ग्रहण का प्रभाव पड़ा था उस समय के ऊपर लोगों को बड़ी समस्याएँ, बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा। जो जिस टाइम के ऊपर कौरव और पांडव जो शतरंज, जो जुआ खेल रहे थे, जिस कारण ये महाभारत के युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम पे ग्रहण का समय था और यही कारण था कि उसका दुष्प्रभाव बहुत तेजी से कौरव और पांडवों को देखने को मिला। और आज जो रूस और युद्ध चल रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया था कि कई देश देखिए स्पष्ट रूप से निकल के रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर सामने आएंगे और उनकी मदद करेंगे। अब इसराइल और इराक का नाम ऑलरेडी आ चुका है, अमेरिका अस्पष्ट रूप से कार्य कर रहा है लेकिन हर जगह पे उसका नाम आ रहा है। तो ये बात देखिए, जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था उस दिन भी सूर्य ग्रहण लगा था और ग्रहण के कारण ही अर्जुन की जान बची थी। और ये बात, ये सारी समस्या मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट में ये बात लिखते हैं कि इस पे यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। तो दोस्तों पुराणों को पढ़ो, पुराणों के अंदर सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। और इस बार 15 दिन के अंदर अंदर जो सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण लगा है वो महाभारत काल के टाइम के एक ऐसे समय को दर्शा रहा है जिसके अंदर लाखों लोगों को मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा था, मृत्यु का सामना करना पड़ा था। और आज के टाइम में भी वो भी यही समस्या दिखा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, द्वापर युग की भी बात बता दूं मैं आपको, सॉरी द्वापर युग कह रहा हूँ, महाभारत टाइम के आगे की कलयुग के स्टार्टेड की एक बात बता रहा हूँ, जिसमें द्वापर नगरी के डूबने के टाइम पे भी सूर्य ग्रहण लगा था और वो सूर्य ग्रहण ने बहुत बड़े ऐसे अस्पष्ट कार्यों को, ऐसे एक मतलब अशुभ संयोगों को जन्म दे दिया था जिसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी घटनाक्रम और समस्या का सामना करना पड़ा था। और इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। ये सारी बातें हमारे वेद पुराणों के अंदर लिखी गई हैं। अगर वेद पुराणों को ढंग से पढ़ा जाए तो सब चीज़ों का उपचार, सब चीज़ों की रोकथाम, सब चीज़ों के कार्य, अशुभ और शुभ कार्यों के बारे में जानकारी भी हमारे वेदों के अंदर दी गई है। एक पक्ष के अंदर दो ग्रहण लगना वैसे ही बहुत बड़े संकट को जन्म मिलने के कारण बराबर होता है। और जिस प्रकार आज 25 तारीख को जो एक ग्रहण लगा, वहीं पे ही देव दिवाली के ऊपर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, मेष राशि को के ऊपर, मेष राशि के जातकों के ऊपर बहुत बड़ी पीड़ा का कारण है, मिथुन कर्क लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण है। और ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारी कुंडलियों के बारे में देखा, बहुत सारे लगन को देखा जिसके अंदर ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। यूरोप की कुंडली देखी तो यूरोप के अंदर बड़े तनाव समस्याओं की जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूरोप आप देखिएगा इस बार यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा संकट के रूप में टूट के पड़ेगा और बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगा। और ये सारी बातें लोगों के ऊपर मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा, मानसिक भावना को प्रदर्शित करेगी। मानसिक तनाव के साथ में लोगों के अंदर बीमारियां आएंगी, लोगों के ऊपर बड़े बड़े ऐसे संकट टूटेंगे जिनकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं करी होगी।
कई लोग अनचाहे पीड़ा से ग्रसित हो जाएंगे, कई लोग ऐसे समस्या से ग्रसित हो जाएंगे कि उनको अपने परिवार की चिंता की ओर ध्यान ही नहीं रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको, जो देश और दुनिया के रिलेटिवली परिणामों के ऊपर आ रही है, कि इस बार का ये जो ग्रहण है, जो ये समय है, ये समय आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ शारीरिक पीड़ा को भी लेके आने वाला है। बड़े नरसंहार की ओर इशारा हो रहा है। अब वो नरसंहार किस जनजाति, किस रूप में होगा, ये बताना अभी थोड़ा सा कठिन है। इसके बारे में स्पष्ट रूप से आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए उचित अवलोकन करना, उचित बातें ध्यान से निकालना, ये बहुत सोचा जाता है। अब ये महामारी के रूप में आएगा, जिस प्रकार से दोबारा कोरोना या कोई और महामारी के रूप में आएगा, या फिर ये किसी जैसे गायों के ऊपर लंपी वायरस आया था, वो भी एक जनजाति थी, वो भी एक जीव है, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों गायें जो मर गई, हमारी गौमाताओं ने अपना बलिदान दे दिया, एक ऐसी महामारी को अपने ऊपर ले लिया जो बच्चों के ऊपर आने वाली थी। तो अब जो आने वाले समय के अंदर ये कठिनाइयां दिखाई दे रही है, बड़े नरसंहार की ओर जो इशारा हो रहा है, क्या वो भी एक बड़ी, बहुत बड़ी विकराल विपदा है जो इस पृथ्वी पर टूटने वाली है, या इन ग्रहणों का प्रभाव, आप लोगों को क्या लगता है कि नॉर्मल चला जाएगा? ये बात पुराणों से सिद्ध होती हुई आई है कि एक पक्ष के अंदर जब भी दो ग्रहण लगे हैं, तब बड़ी विकराल समस्या इस जनजाति पृथ्वी के ऊपर सामने आई है, चाहे वो किसी भी युग के अंदर हो, किसी भी समय के अंदर हो। और इस बार दो सूर्य ग्रहण की जगह पे एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लगाए, तो चंद्रमा ग्रहण जो मानसिक तनाव को, मानसिक चेतना को मन बुद्धि बना देता है, मतलब लोगों की सोचने समझने की भावना खत्म हो जाती है, और सूर्य ग्रहण जो तेज के कारण नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी प्रदान करता है इस ग्रहण के टाइम में, कि जिससे लोगों के अंदर कष्ट मिलता है, लोगों को गुस्सा आता है, और लोग ऐसे कार्य कर देते हैं कि जो कार्य भविष्य में उनकी रूपरेखा को बदल देते हैं। तो अब जो ये समय चल रहा है, जो रूस और यूक्रेन के युद्ध का समय चल रहा है, वो समय एक नई अपार पीड़ा को जन्म देने वाला है। बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, और स्पष्ट रूप से शामिल होंगे, जिसमें कोई मतलब अपारदर्शिता नहीं होगी। जिस प्रकार से इराक ने खुल के समर्थन किया, इराक भी वैसे ही खुल के समर्थन कर रहा है, इजराइल भी खुल के समर्थन करेगा, और अभी तो कई देशों के नाम इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये बात, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो लोग नहीं मानते हैं उनको एक कदम, एक महत्वपूर्ण बात, पिछले दो हफ्ते पहले की वीडियो है, मैंने बताई थी अप्रत्यक्ष रूप से कि बहुत सारे देशों के सम्मिलित होने का समय आ गया है। आज वो वीडियो, आज वो भविष्यवाणी सच हो गई है। तो आने वाले टाइम के अंदर भी बहुत सारी बातें सत्य होने वाली हैं, क्योंकि भविष्य मालिका झूठी नहीं हो सकती, हमारे वेद पुराण झूठे नहीं हो सकते। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो केवल उनका अवलोकन करके बता रहे हैं, उनको ज्ञान को आगे बांट रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहे। तो दोस्तों, आज की मिली इस वीडियो से जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल को पे करना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, और भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय से पहले ही चीज़ों का ज्ञान होता रहे। फिर मिलूंगा आपसे आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।